टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आयशे 2018-19। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी आयशे 2018-19 जारी किया गया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की विशेष बैठक के उद्घाटन मौके पर आयशे 2018-19 जारी किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस सर्वेक्षण को जारी किया। आइए डालते हैं एक नजर इस सर्वेक्षण की मुख्य बातों पर। भारत में 2018-19 के दौरान 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GER 26.3% है। कैटेगरी के अनुसार GER पुरुष आबादी के लिए 26.3%, महिलाओं के लिए 26.4%, अनुसूचित जातियों के लिए 23%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 17.2% है। विश्वविद्यालयों की संख्या 2017-18 में 903 से बढ़कर 2018-19 में 993 हो गई है, जबकि उच्च शिक्षण संस्थानों की कुल संख्या 51,649 हो गई है। मौजूदा वक्त में विशेष रूप से महिलाओं के लिए देश भर में 16 विश्वविद्यालय हैं। भारत में सबसे अधिक कॉलेजेस के मामले में शीर्ष 8 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। कॉलेजेस की संख्या के मामले में बंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट 880 के साथ शीर्ष पायदान पर, जबकि जयपुर 566 के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ ध्यान दें तो सर्वाधिक छात्र नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर काबिज है। उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की कुल संख्या 47,427 है। दुनिया भर के 164 विभिन्न देशों से विदेशी छात्र भारत आते हैं। भारत में पड़ोसी देशों से सबसे ज्यादा विदेशी छात्र आते हैं, जिसमें नेपाल शीर्ष पर है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में पीपल टीचर रेशो यानी PTR 29 है। 2018 के दौरान 40,813 छात्रों को PhD की डिग्री प्रदान की गई। आइए अब जानते हैं आयशे के बारे में। इसका पूरा नाम ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD ने एक मजबूत डेटाबेस बनाने और देश में उच्च शिक्षा की सही तस्वीर का आकलन करने के लिए 30 सितंबर 2010 की संदर्भ तिथि के साथ वर्ष 2010-11 में आयशे की शुरुआत की। सर्वेक्षण में देश के सभी संस्थानों को शामिल किया जाता है जो उच्च शिक्षा प्रदान करने में संलग्न हैं। इस सर्वेक्षण के अहम उद्देश्य हैं: देश में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों की पहचान करना, उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से डेटा एकत्र करना। आइए अब जानते हैं CABE के बारे में। इसका पूरा नाम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए यह सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन 1920 में किया गया था।